गाइस मेरे पास आज बहुत सारी न्यूज़ है कवर अप करने के लिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। सो गाइस आज हमारी पहली न्यूज़ है द डेलिन प्रोस वर्सेस लोकेश गेमन। आप सभी को याद होगा बहुत टाइम पहले, यानी कि मतलब पिछले इलाइट पास में इन दोनों के बीच कौन फर्स्ट नंबर पे रहेगा, यानी ग्लोबल नंबर वन पे पेजेस के मामले में कौन रहेगा, इसके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई या फिर कैसे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। सो गाइस ऐसा लग रहा है कि फिर से ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी पेजेस में डेलिन प्रोस के पेजेस हैं और लोकेश गेमन अभी अपने रिसेंट वीडियो में बताएं कि वो जल्द ही ग्लोबल नंबर में शायद में भी जा सकते हैं। सो गाइस कमेंट में बताना क्या ऐसा होगा। सो गाइस ये तो हुई बैजेस की बात। सो गाइस अभी आपको याद होगा कि कल, यानी कल कौन सी तारीख है गाइस, कल 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर। सो आप लोगों को याद है कल क्या है। सो गाइस कल लोकेश गेमन वर्सेस डेलिन प्रोस, जी हाँ गाइस 1v1 कस्टम में दोनों के बीच मैच होगा। तो क्या लगता है आप गाइस कौन जीतेगा, डेलिन प्रोस या फिर लोकेश गेमर, कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज की तरफ। सो गाइस आज की मेरी दूसरी न्यूज है देसी गेमर के बारे। सो गाइस आप सभी को याद होगा कुछ टाइम पहले या 1 से 3 हफ्ते पहले देसी गेमर का नंबर जो था वो लीक हो गया था। सो गाइस उसी के रिकॉर्डिंग देसी गेमर कुछ बोले हैं, उसका मैं आपको ऑडियो क्लिप अभी दिखाता हूँ। गाइज मेरा नंबर यूट्यूब पे डाला था 2 महीने पहले, मैंने इसको फोन करके बोला कि भाई तू मेरा नंबर हटा देना। भाई वो कितना एक्सक्यूज किया उसने मेरे को यार, बोलता है कि भाई ये नहीं हटा सकता, ये भाई मेरा प्राइवेट नंबर उसने पब्लिक कर दिया। कितना यार कैसे कैसे लोग यार गाइज, कुछ चंद व्यूज के लिए यार किसी का प्राइवेसी का ऐसी की तैसी कर दिया यार गाइज। मेरा नंबर उसी बैंक में कनेक्ट था, पेटीएम ये वो सब कुछ में कनेक्ट था वो नंबर, उसने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दिया यार। सो गाइस इस पे आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस चलिए अपने बढ़ते हैं तीसरी न्यूज की तरफ। सो गाइस मेरी आज की तीसरी न्यूज है राइज स्टार और क्रिटिकल एक्स के बारे में। सो गाइस आप सभी को याद होगा अभी कुछ टाइम पहले इन दोनों के बीच कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, क्योंकि राइज स्टार को टूर्नामेंट पे नहीं लिया गया था। सो गाइस जब ये बात राइज स्टार के फैंस को पता चली तो राइज स्टार के फैंस ने क्रिटिकल एक्स के चैनल में जाके लाइव स्ट्रीम पे उनके हैशटैग जस्टिस फॉर राइज स्टार लगाने लगे। सो गाइस इस पे रिकॉर्डिंग क्रिटिकल एक्स अपने वीडियो में कुछ बोले हैं। सो गाइस उस वीडियो का मैं क्लिप अभी आपको दिखाता हूँ। स्ट्रीम के शुरुआत में भी मैंने बोला, इसके बाद भी मैं बोलना चाहूंगा गाइस, वहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एट ग्रैंड फिनाले, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था बिकॉज आई वॉज स्ट्रीमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, तो मैं ना कमेंट पढ़ पा रहा था ना कुछ, तो मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया। दरअसल मैं तो आईडी पासवर्ड देके हट गया था, बट इट्स माय अपोलॉजी टू राइज स्टार एंड हिज फैंस। दरअसल वहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दरअसल वहाँ पे मैनेजमेंट को ये बताया गया था कि जिग्स भाई और राइज स्टार एक ही टीम से खेलेंगे, बट एट द लास्ट मोमेंट ये समझ में आया कि दोनों की अलग अलग टीम्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तो जिग्स भाई को स्लॉट मिल गया और राइज स्टार को इन्होंने हटा दिया। सो माई अपोलॉजी टू राइज स्टार एंड हिज फैंस, आई होप यू गाइज डोंट माइंड, बट स्टारों के स्टार राइज स्टार वापस जरूर आएंगे। हैशटैग स्टारों के स्टार राइज स्टार, हैशटैग केरला मदुराई, हैशटैग राइज स्टार लगा दीजिए। एंड मैंने राइज स्टार से भी माफी मांग ली है, राइज स्टार ने भी बोला है नहीं इट्स ओके रॉकी भाई, आपकी गलती नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, बट आगे से ख्याल रखिएगा। तो गाइज आई होप यू गाइज विल ऑल्सो फॉरगिव मी, दिस इज माई हम्बल अपोलॉजी टू राइज स्टार एंड हिज फैंस, दैट इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैट वी अज्यूम की जिग्स भाई और राइज स्टार एक टीम से आएंगे, बट दोनों की अलग अलग टीम थी, तो ये गलती हो गई, तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। जिसने मेरी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली हो, कैन वी सी इट्स ओके रॉकी भाई, क्या चैट में लगाएंगे आप लोग हैशटैग इट्स ओके रॉकी भाई, ताकि मुझे पता चले कि आप अब मुझसे नाराज नहीं है। दरअसल मैं उस दिन कमेंट नहीं पढ़ पाया, वरना मैं उसी दिन लाइव में ही माफी मांग लेता, तो सॉरी फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि उस दिन मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था, आपको पता है फाइनल्स जो है ताइवान से टेलीकास्ट। सो गाइस ये मामला तो हो गया है पूरी तरह से सॉर्ट आउट, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। सो गाइस एसके गेमिंग जोन ने अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम में अपना फेस रिवील किया था, बट उसमें स्पैम होने लगा कि ये आपकी जो फोटो है वो मतलब मैच नहीं हो रही है आपके वॉइस से। सो गाइस इसी के रिकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पे वो कुछ बोले हैं, उसका एक क्लिप मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
भाई अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ही भाई अपना फेस रिवील किया था, तो काफी सारे बंदे मेरे को बोल रहे थे कि भाई जो तेरी वॉइस है वो तेरी फोटो से मैच नहीं कर रही, एंड काफी सारे बंदे तो ये भी बोल रहे थे कि भाई तूने फेक फोटो डाली है। तो भाई देख लो ऊपर से लेकर नीचे तक मैं ही हूँ, मेरी फोटो थी, एंड वीडियो में भी आपने मेरी वॉइस सुनी होगी। बाकी एक चीज़ है कि मैं जब मतलब अभी ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं मेरे फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड जो मैं मेरी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ वो मैं मेरे हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा वॉइस इधर उधर दिख सकता है, बाकी देख लो फेक नहीं थी भाई वो। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। सो गाइस हमेशा की तरह मेरी आखिरी न्यूज़ है स्काई लॉर्ड के ऊपर। सो गाइस गेस करो आज इस बार मैं स्काई लॉर्ड के ऊपर क्या वीडियो मैं बताने वाला हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस स्काई लॉर्ड ने रिसेंट वीडियो डाल दिया है जिसमें उन्होंने राय स्टार को एक्सपोज किया है या नहीं, ये चीज़ मैं दिखाता हूँ अभी आपको वीडियो क्लिप में। ये बात तो क्लियर होगी कि रजिस्टर तुम्हारा हैकर नहीं है, तो अब मेरी चैट में आके स्पैम मत करना कि एक्सपोज रजिस्टर, भाई क्या करवा रहे हो मेरा। अगर कोई बंदा स्पोर्ट प्लेयर है और अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है तो भाई मैं उसको एक्सपोज नहीं कर सकता, तुम समझो इस बात, क्योंकि तुम मानो या ना मानो आज के समय में अगर मेरी एक वीडियो के साथ करियर भी खत्म कर सकते, इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूं। इसलिए मैंने पास्ट में पहाड़ी और ऐसे बहुत सारे बंदों को इसीलिए बख्श दिया क्योंकि भाई वो एक स्पोर्ट प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं वो लोग। अरे पता की बात बताओ भाई, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखी थी कि इवन आवारा भी मोबाइल से खेलेगा। भाई क्या हो गया तुमको, ये सुन के मुझे अच्छा। अच्छा ना सर, तो टूर्नामेंट खेलेगा क्या सारे, खेलेगा ना सारे टूर्नामेंट तू? अच्छा खेलेगा। अच्छा वो सोलह वर्ष स्क्वाड वाले मोन्टेज डालेगा ना तो बराबर से रोड डेली, मतलब जब भी टाइम टाइम पे डालेगा ना मोन्टेज सोलह से स्क्वाड के? हाँ और क्या करेगा रजिस्टर? रजिस्टर कितने साल का है तू, एज कितनी है? अरे निब्बे एज कितनी है बताना। अरे एज कितनी है बताना, एज एज बता। 17-18 होने वाली है, मतलब निब्बा है भाई तो सही में। अच्छा तू लड़का है कि लड़की, सही सही बताना, सच सच बता, तू लड़का है लड़की? लड़का है। अच्छा ठीक है भाई, बस हो गया, मेरे को इतना ही जानना था, बस हो गया, मेरा जीवन धन्य हुआ भाई, धन्य हुआ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।